प्रेस क्लब में पीस कमेटी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें पदाधिकारियों ने मीडिया से वार्ता की। नोएडा प्रेस क्लब सेक्टर 26 नोएडा में पीस कमेटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें पीस पार्टी के मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी इंजीनियर इरफान के द्वारा पत्रकारों को संबोधित किया गया। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के नेता शिवराज सिंह पवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। मुकेश गुप्ता, नोएडा, समाचार 24। जिन मुद्दों पर है संगठन का विस्तार भी किया गया है, आगे की क्या रणनीति स्पष्ट की? आज हम लोगों का आगमन जिला नोएडा में हुआ है और संगठन विस्तार का कार्यक्रम पीस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चला रही है। उसी क्रम में आज पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष पीस पार्टी ने मनोनीत किया है, जो हमारे इंजीनियर शिवराज सिंह पवार साहब हैं, जो अपनी सेवाएं प्रशासन में दे चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और आज पीस पार्टी के साथ आकर एक पिछड़े का बेटा पीस पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और पूरी मजबूती से पीस पार्टी ने तय किया है कि 2022 में होने वाले चुनाव में पीस पार्टी शराबबंदी को लेकर, छोटे राज्यों का मुद्दा लेकर और किसानों का मुद्दा लेकर प्रमुखता से इन मुद्दों से चुनाव लड़ेगी। इसी क्रम में संजय गुर्जर जी और हमारे अलीशेख कराला जी और सुरेंद्र नागर जी आज पीस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं इन सभी लोगों को शुभकामनाएं दे